हे गाइस, वेलकम बैक टू द बोधी ट्री वेयर एनलाइटनमेंट इज गारंटीड। स्लॉट थ्री का एनालिसिस देखते, दैट इज 26 मार्च 9 AM टू 11:30 AM। स्लॉट थ्री फ्रॉम व्हाट वी हैव हर्ड इज प्रोबेबली द टफेस्ट ऑफ द लॉट। तीनों स्लॉट्स में अब तक का सबसे टफ है और डिफिकल्टी लेवल थोड़ी हाई थी। ऑल्सो वो कैब ही नहीं आया, जैसे पहले दो स्लॉट में बहुत वो कैब आया, स्लॉट थ्री में बिल्कुल भी वो कैब नहीं आया। तो ये भी एक गलती हो रही है टेस्ट सेटर्स से कि वो हर एक स्लॉट में उन्होंने इक्वली हर एक टॉपिक डालना चाहिए। हर एक मतलब अगर जो फर्स्ट स्लॉट में दे रहा है उसका वो कैब वीकनेस है, उसको वो ड्रॉबैक हो गया कि उसने स्लॉट वन में, जो स्लॉट थ्री में आया उसका वो कैब स्ट्रेंथ है, उसके लिए वो ड्रॉबैक हो गया। तो वो इक्वली कंडक्ट भी नहीं कर रहे, डिफिकल्टी लेवल भी हर एक स्लॉट का ऊपर नीचे तो होता है, बट एटलीस्ट टॉपिक्स तो भी, अगर 10 क्वेश्चंस वो कैप के आ रहे तो अक्रॉस 10 क्वेश्चंस वो कैप के लाओ, वो तो भी उन्होंने करना चाहिए, नहीं कर रहे। ओके मतलब वो सब बाद में डिस्कस करेंगे, अभी मैं सिर्फ स्लॉट थ्री का बता रहा हूँ कि क्या क्या है। आरसीज बहुत गंदे थे, ठीक है, जो कि पहले ईजी थे, दो दो पैराग्राफ्स के आरसीज थे, इसमें बहुत लंबे लंबे आए, लेंदी आरसीज आए, एंड उसमें भी लेंदी तो थे ही, उसमें भी एक से दो क्वेश्चंस लेंदी आरसीज प्लस एक से दो क्वेश्चंस प्लस इन्फरेंस बेस्ड, बहुत मुश्किल छोड़ने वाले थे। प्लस डीआई आए, जो पहले आए नहीं थे डीआई, तो डीआई आए, अराउंड फोर डीआईज आए, उसमें से एकदम दो टफ वाले डीआईज थे। ऑलराइट, फिर कॉन्स में बाकी का, जैसे पहले सेकेंड स्लॉट में नंबर सिस्टम्स आए थे, तो इसमें वैसे बहुत नंबर सिस्टम नहीं है बट टाइम एंड वर्क के बहुत आए। क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स बहुत उन्होंने फोकस किया, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, जैसे हमने वो टीबीटी मैट्रिक्स में बोला था कि क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स इज नाउ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो पहले नहीं कंसिडर होता था, तो इसलिए क्योंकि वो डालते हैं क्लॉक्स एंड कैलेंडर। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग टफ ही था, जैसे आई थिंक स्लॉट टू में आया था कि कुछ समझ रहा ही नहीं था कि क्या है, वैसे ही आया। प्लस पजल्स नहीं आए, तो ये एक सरप्राइजिंग था कि एक भी पजल नहीं आए, ठीक है, देर वर नो पजल्स। तो क्या एक्सपेक्ट करना है, कोई कुछ बोल नहीं सकता, यूनिफॉर्मिटी नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो यही डिस्कस करना था, टफ ही था पेपर और अक्रॉस द थ्री स्लॉट सबसे टफ था अब तक का, ठीक है। सो गाइज, वी विल बी गोइंग इन टू स्लॉट फोर, टाइमर के पास ध्यान दो। ऑल्सो दिस इज़ फॉर एवरीबडी, हम लोग एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे कि अभी क्या करना चाहिए तुमने, कि अभी सीईटी खत्म हो गया है, और स्टे ट्यून फॉर दैट, उसमें सब डिस्कस करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना है, जो भी तुमने अभी सीईटी के बाद करना चाहिए उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। और अभी हम लोग खुद, मैं और मल्लार सर फोर्थ स्लॉट में, तो देख के आ रहे हैं वहाँ पे क्या है, हमारी एग्जाम है अभी फोर्थ स्लॉट में, सो विल बी देयर, उसका डायरेक्टली बताएगी कैसा है एनालिसिस। That's it for this video guys, कुछ भी doubts रह गए तो always ask them in the comment section below। और जिनका हुआ है अग्नि परीक्षा दो guys, आज 2 to 3 भी है, 3 to 4 भी है, ठीक है, तो ये normal अपना weekly quiz, ये mega quiz भी है, तो अच्छा chance है, ठीक है, कि mood खराब हो गया है ये सब देख के, तो एटलीस्ट पैसे कमा लो। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।